2019 से 2020 का इकोनॉमिक सर्वे बिहार में जारी कर दिया गया है। यह जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय, और दोनों सदनों में इसे जारी किया है वित्त मंत्री ने, सुशील कुमार मोदी जो अभी वर्तमान में हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? यह एक जो है सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण उसे कहते हैं, जो कि पिछले एक साल के दौरान बिहार राज्य में आर्थिक प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट है। यानी आपको इसमें डिटेल रिपोर्ट, डिटेल एनालिसिस मिल जाता है कि बिहार में जो है आर्थिक प्रदर्शन कैसे हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस और बीपीएससी जो एसआई मेंस की परीक्षा के लिए बैठने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी डेटा होता है वो नवीनतम डेटा होता है, यानी जितने भी करेंट डेटा है आपको इसमें मिल जाते हैं, और आपका इससे जो है इकोनॉमिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है, और बिहार जीके का भी आपको अपडेटेड डेटा मिल जाता है। यह जो है कुल 600 पन्नों का है, पर आपको उतना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज जो है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और इसमें हम कुल 15 प्रश्न करेंगे। आपको आने वाले दिनों में और भी इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को इन प्रश्नों के जरिए कवर करने की। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में किन अध्यायों को पहली बार जोड़ा गया है? सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें अभी तक 12 चैप्टर्स होते थे, पर इस साल जो है दो नए चैप्टर्स को ऐड कर दिया गया है, जो कि है ई गवर्नेंस और एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। बिहार में जो है एनवायरनमेंट की गंभीर चिंता बनी हुई है, और जो एयर क्वालिटी है दिन बर दिन खराब होती जा रही है। अगर पिछले साल का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बिहार में विश्व के 10 शहरों में बिहार का तीसरा या चौथा स्थान था, बिहार के दो जिलों का। तो यह गंभीर चिंता है बिहार सरकार के लिए। दूसरी बात जो है ई गवर्नेंस में बिहार राज्य को 8 पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुए हैं, जो कि वो क्या क्या है, किन किन विभागों में मिला है, हम आने वाले एपिसोड्स में आपको इसके ऊपर प्रश्न देकर कवर करवा लेंगे। और क्लाइमेट में जो है बिहार सरकार जल जीवन हरियाली पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ई गवर्नेंस और पर्यावरण, यानी ए और बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने बिहार का हिस्सा क्या कर दिया है? वित्त आयोग जो होता है वो आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में, ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, या एस्टेब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वित्त आयोग ने 2020 से 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने केंद्र के कुल संसाधन में से, जो कुल संसाधन कोष है उसमें से बिहार का हिस्सा वर्तमान में जो था वो कितना था, करंट में 9.67 यानी 9.67% से बढ़ाकर 10.06 कर दिया है। तो ऑप्शन इसका ए होगा, यहाँ पर आप 10.06 कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2020 को बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो किन क्षेत्रों के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है? आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार यह पुरस्कार जो है बिहार को नई दिल्ली में मिला था, और बिहार का जो चयन है ये सिलेक्शन किया गया है जो फिनेंशियल ईयर है यानी वित्तीय वर्ष 2016 से 2017 के लिए मोटे अनाज में किया गया है, मोटे अनाज में जैसे मक्का के लिए, ये 2016 और 2017 के लिए। और दूसरा जो आपको याद रखना है यहाँ पर, 2017 से 2018 के लिए गेहूं की बेहतर खेती करने पर हुआ है, तो आपको मक्का और गेहूं याद रखना है। उसके बाद जो है इस वर्ष बिहार में मक्के की जो उत्पादकता है वह राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा रही है, नेशनल लेवल पर मक्का का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है बिहार में, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक यह भी दिखाई देगा कि उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए प्रोडक्शन जो है बिहार में इनका अच्छा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो मक्का के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए भी इसका चयन हुआ है, इसलिए चावल के उत्पादन के लिए बिहार को नहीं मिला है।
तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। इससे पहले बिहार को चावल, गेहूं और मक्के के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 कृषिक्रमण पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सही कथन चुने। बिहार में साक्षरता दर 2001 में 47% थी, जो 2011 में बढ़कर 61.8% हो गई है। तो लिटरेसी रेट, हाँ बिल्कुल, ये है जो है 47% था, जो कि हमारी 2011 की जनगणना में यह जो डेटा आया है 68.8% है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की साक्षरता वृद्धि दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक रही है। जो ऑप्शन 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, जो कि 61.8 है। सबसे कम लिटरेसी बिहार में पाई जाती है, पर जो लिटरेसी ग्रोथ रेट है, साक्षरता वृद्धि दर, वो बिहार में सबसे ज़्यादा रही है, जो कि 14.8% है। यह यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 14.8% रही है साक्षरता वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में। अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया का जो है वो रहा है 8.1%। तो आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि जो बिहार की साक्षरता वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय साक्षरता वृद्धि दर से अधिक रही है 2001 से 2011 के दौरान। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। बिहार में भले ही लिटरेसी रेट कम हो, लेकिन जो लिटरेसी ग्रोथ रेट है वह पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रति आमदनी के मामले में बिहार के निम्न जिलों को क्रम में लगाएं। आपको लगाना है बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े पे बड़े क्रम में लगाना है आपको। तो यहाँ जो सही क्रम है, सबसे निचले स्थान पर शिवहर है, फिर सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, मुंगेर और फिर पटना, इनका स्थान आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 2011 और 12 के डेटा के अनुसार पटना जिले की जो सबसे प्रति व्यक्ति आमदनी है वह 63,063 रुपये है, और जबकि जो है दूसरे पायदान पर वह जिला मुंगेर। तो मुंगेर में जो है उसकी आमदनी है प्रति व्यक्ति 22,051। तो यह आपको पता होना चाहिए। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पूरे बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है, तो वह मुंगेर है। आप नीचे से अगर देखेंगे ऑप्शंस को, 6 to 1 में यह घटते क्रम में होगा, और बढ़ते क्रम में जो है वह 1 से 6 है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन है राइट, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपको दोनों कथनों को देखना है और सही चुनना है। इसमें 2014-15 से 2018-19 के बीच संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में वृद्धि हुई है। सेम पीरियड के बीच 7.2% की वृद्धि हासिल की जा चुकी है। बिहार सरकार ने इस पीरियड के दौरान यानी 4 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि मां शिशु मृत्यु की दर में कमी आ गई है, और इसका जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है नजर भी आने लगा है इन प्रयासों का नतीजा, और जिसके अनुसार जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा जो ये बढ़ोतरी हुई है वह 7.2% के हिसाब से इसका ग्रोथ हुआ है, यानी अब महिलाएं जो हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ज़्यादा हो गई हैं, जिससे कि माँ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। तो यहाँ ऑप्शन सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 1 साल में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये बढ़ी है। अगर आप 2017-18 के आंकड़ों को देखेंगे, 2017-18 के डेटा के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो आय थी वह थी 42,282 रुपये, और 2018-19 में यह जो है बढ़कर हो गई 47,541 जो है यह कब थी, यह थी 2018 से 2019 में प्रति व्यक्ति आमदनी।
और जबकि 2017 से 18 में थी 42,242। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने रुपए बढ़ी है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा यह है 5,399 रुपये। तो आपको ये सारे डेटा को याद करना होगा, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि 2018-19 के आंकड़ों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो वह है 47,541, और आपसे अगर डिफरेंस पूछ ले तो वह है 5,399, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों को सड़कों के घनत्व के हिसाब से क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको। रोड डेंसिटी जो है बिहार में, उसका आपको लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। जो सबसे कम, जहां पर सड़कों का घनत्व बढ़ा है, रोड डेंसिटी है, वहां से लेकर सबसे हाईएस्ट पे आपको लगाना है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व में जो है सबसे पहला नंबर है वो केरला का है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। केरला जो है वहाँ पर 692 किलोमीटर का रोड डेंसिटी है। दूसरे नंबर पर जो आता है वह है ओडिशा। और बिहार जो आता है वो आता है फोर्थ पोजीशन पे, चौथा नंबर पे। और चौथा नंबर पे रोड डेंसिटी के हिसाब से पूरे देश भर में बिहार का स्थान है। यह प्रश्न भी आपको पूछ सकता है, ये याद रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है, बिहार में अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जमुई जिले में जो है वह शीर्ष पे है। जमुई, वहाँ पर जमुई में जो है सड़क वो कितने किलोमीटर है, 160 किलोमीटर्स। तो यहाँ ऑप्शन वन जो है यह सबसे हाईएस्ट पर है, और जो सबसे कम है वो पटना में है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन यह इकोनॉमिक सर्वे में यह डेटा दे दिया हुआ है कि पटना जो है वह 5वें स्थान पर है। तो यहाँ क्रम आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वह ज़्यादा एक्यूरेट है। पटना, फिर बेगूसराय, फिर कैमूर, औरंगाबाद और जमुई। जमुई में 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो इसका यहाँ जो राइट आंसर है वह है 20%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का है वो है 20%। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम बेरोजगारी है। दूसरा है ऑप्शन, शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। तो यहाँ जो है बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम बेरोजगारी, यह जो इस कथन है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिहार में महिलाएं कम बेरोजगार हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला कम बेरोजगार हैं और शहरों में भी महिलाएं कम बेरोजगार हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का जो बेरोजगारी दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 7% है, और जो फीमेल है, फीमेल में यह है 2.3%। मेल में है 7% और फीमेल में 2.3%। यह हम बात कर रहे हैं ग्रामीण की यानी रूरल एरिया की। अगर आप अर्बन एरिया की बात करें यानी शहरी क्षेत्र की, शहरी क्षेत्रों में मेल के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह है 9.3%, और फीमेल के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वह है 6.2%। तो यहाँ से अगर आप डेटा को देखेंगे तो फीमेल के लिए शहर में है 6.2% और गांव में है 2.3%। दोनों केस में यह मेल से कम है, पुरुषों से कम है। तो यहाँ पर जो कथन है दूसरा गलत है, यह स्थिति दोनों क्षेत्रों में समान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन, ऑप्शन ए जो है केवल वन, पहला कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, देश में आबादी के हिसाब से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यह स्थान चौथे नंबर पे है। पहले स्थान पर देश में कौन है, केरला है, दूसरे पे ओडिशा है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला बिहार में शहरी विकास में सबसे पीछे? सबसे पहली बात, बिहार में 199 शहर हैं, यह आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 199 शहरों में जो है पटना वो टॉप पर है, पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। उसके बाद जो और पटना में जो अर्बनाइजेशन है वो कितना परसेंट है? 43.1% है। और जो सबसे कम है वह है बांका, बांका डिस्ट्रिक्ट में यह जो दर है 3.5% है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ भी जो है बिहार शहरी विकास में सबसे पीछे है, 199 शहर है बिहार में, आपको यह डेटा याद होना चाहिए। इसमें पटना टॉप पर है 43.1% और सबसे जो निचले पायदान पर है वह है बांका जिला, जहाँ पर 3.5% ग्रोथ रेट है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली के तहत 3 वर्षों में कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य है? आपको यहाँ याद रखने वाला जो पॉइंट है कि बिहार सरकार 19% 19% जो है वह कुल भौगोलिक क्षेत्र को क्या करेगा, हरित ग्रीन जोन बनाने वाला है, यह गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और जो इसके लिए टारगेट रखा गया है 24 करोड़ पेड़ लगाने का, जिसमें से अभी 19 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं इस अभियान के अंतर्गत, जनजीवन हरियाली के अंतर्गत। और जो है इकोनॉमिक सर्वे यह कहता है कि अगले 3 वर्षों में, अभी तक कितने लगाए जा चुके हैं? 19 करोड़, और अगले 3 सालों में 8 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य और है, 8 करोड़। तो यह ऑप्शन ए जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा नम भूमि वेटलैंड्स है? रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड्स के लिए होता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड उसे कहते हैं जहां पर 8 8 महीने जो है पानी भरा रहता है, ऐसे जमीन को। सपोज ये कोई लैंड है और यहाँ पर 8 महीने तक पानी भरा है, तो ऐसे लैंड को वेटलैंड कर देते हैं हम डिक्लेयर। ऐसे वेटलैंड में जो है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और बिहार में जो है वह जिला है बेगूसराय, जहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, तकरीबन 8.5% जो है वो वेटलैंड है बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो ये आखिरी प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वन दर्ज क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 2019 में अगर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आप देखेंगे तो बिहार में जो दर्ज वन क्षेत्र है वह कितना है, 6,877 स्क्वायर किलोमीटर, यह है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.3% है। यहाँ ऑप्शन ए जो है बस एक्यूरेट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा, ये सीरीज इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको इससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो बिल्कुल ही निश्चित है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि 600 पन्नों का यह जो है स्टेट स्पेसिफिक डेटा दिया होता है। हम कोशिश करेंगे आपको जो है इन प्रश्नों के जरिए आपके सामने सारा इंपॉर्टेंट डेटा लेकर आए, जिससे आपको परीक्षा में जो है बिल्कुल आसानी हो, और इससे तो बिल्कुल प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप इनको अच्छे से कीजिए, और हम आपको अगले एपिसोड में फिर से इसका एक अगला पार्ट लेकर आएंगे और अगले चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामिनेशन बुद्धा के। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर।